दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ क्रिस्पी अंडे के पकोड़े, जिसे मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से। वेल, ये रेसिपी मेरे छोटे भाई के डिमांड पर है। वो काफी समय से मुझे कह रहा था कि दीदी ये रेसिपी जरूर बनाओ, तो मैंने भी कहा चलो बनाया जाता है। और फिर मैंने सोचा अगर ये रेसिपी वाकई बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी, मैं अपनी YT फैमिली के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसे लगे कॉमेंट्स कर जरूर बताएं, और हाँ आप भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल, और उसमें ऐड करेंगे करीबन 1.5 कप बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, और साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और हरी मिर्च काली मिर्च का पेस्ट। ये ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, और आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बनाएं। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, बस थोड़ा सा हमें थिक रखना है ताकि क्या हो, जो एग हैं उन पे कोटिंग अच्छे से लग जाए। और आप जब भी भजिया बनाएं या किसी भी तरह के कोई भी भजिया बनाएं, तो उसमें हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा आ जाता है। तो ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने डाला है, ऐड किया है आधा चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप पानी। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, साथ ही चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो हमारा बैटर सेट हो चुका है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 10 से 12 बॉयल किए हुए एग इस्तेमाल किए हैं, एग लिए हैं, इनको अच्छे से बॉईल कर लिया और ऐसे पीसेस को कट कर लिया। तो अब लेंगे एक कढ़ाई और उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। जब आप ऐसे एग को डालो, एग के पीसेस को डालो, तो क्या करो उसको मीडियम फ्लेम पे करो। तो मैंने सारे एग के पीसेस को लिए, बैटर में ऐसे डिप किया, अच्छे से कोट किया और ऐसे में कढ़ाई में डाल दिया है। आपको ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है और आराम से चलाना है, नहीं तो ये निकल सकते हैं, कोटिंग इनके निकल सकती है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी थी जब मैंने बनाई थी। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और सबसे अच्छी बात की बहुत जल्दी ये वाले पकौड़े जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देखिए मेरे सारे भजिया अंडे के पकौड़े सारे तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके। तो अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, तरीके से मैं अपने बाकी के बैच भी कर लूँगी। उसके बाद मैंने ये बैच डाला है, ये एग के एक एक पीसेस को उठाया और ऐसे अच्छे से बैटर में डिप किया और ऐसे में हमने डाल दिया है। तो हार्डली आपको 4 से 5 मिनट लगेगा एक बैच को फ्राई करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा कम हो सकता है पर ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये देखिए एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैंने इसको पलट दिया है। अब ये सारे भजिया हमारे तैयार हो चुके हैं, सारे अंडे के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे तो मैं अंडे खाते नहीं हूँ, पर ये रेसिपी मैंने अपने छोटे भाई के लिए बनाई थी, उसको बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आई और उसने फिर से डिमांड किया है कि किसी दिन आपने फिर से बनाना है। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी ये अंडे के भजिया कैसे बने हैं। आप चाहे तो इसे केचप, हरी चटनी जिसके साथ खाना पसंद करते हैं। और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपनी रेसिपी की फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर नई रेसिपी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। अब हम नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, आने वाली आगे की रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।